सिया को समझने की कोशिश कर रहे हो राघव? लगता है जैसे अंदर से टूट गई है, खुद से भाग रही है। कुछ तो है इसके मन में जो इसे लगातार सता रहा है। आज सुबह योगा करते वक्त भी 2 मिनट आंखें बंद न कर पाई, भाग गई वहां से। चेहरे पे अजीब सी शिकन थी। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन इसमें जीने की आज जगानी होगी राघव, वरना पता नहीं ये कैसे जी पाएगी। सिया को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, छोटी छोटी खुशियों को फिर से महसूस करना होगा। थोड़ा हंसना, थोड़ा गुनगुनाना, खाना एंजॉय करना, नई जगह देखना, इन खुशियों को महसूस करने के बाद ही सिया में जीने की उम्मीद जागेगी। मैं आ रहा हूं जानवी, ठीक उसी तरह जैसे लोगों के भगवान राम उनकी सीता को लेने गए थे, मैं भी आ रहा हूं जानवी। I'm coming. क्रिश, क्या कर रहे हैं? सॉरी, गलती हो गई। बच्चा नहीं बुलाऊंगा तेरे को आइंदा से। बाप रे, इतनी ताकत, क्या खाता क्या है तू आजकल? तो क्या क्या खाता है आजकल? इतनी ताकत आ गई तेरे में? हाँ, सिया को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, छोटी छोटी खुशियों को फिर से महसूस करना होगा। अरे क्रिश, आराम से, उनमें तेरी तरह ताकत नहीं है ना, थोड़ा सा भागेंगी थक जाएंगी, आराम से।
देखा, पकड़ लिया ना। है? हाँ, अभी क्या बोल रही है? हम दोनों आपको यहाँ से वापस ले जाने आए। हाँ माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको घर से निकाल के बहुत बड़ी गलती की है। माँ जी नहीं आना मुझे घर, यही मेरा घर है, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आपके जाने के बाद भगवान ने हमें बहुत बड़ी सजा दी है माँ, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, हमारा घर बिकते बिकते रह गया, मेरा आराम। मुन्ना क्या हुआ? मुन्ना को बहुत बीमार है माँ जी। माँ जी हमारी नसीब तो अपने पोते के लिए चली है। माँ हम जान चुके कि अपनों से बढ़कर कोई नहीं होता है। माँ चलिए ना। माँ मना मत, हमें माफ कर दो माँ। क्या कर रहे हो? चलो उठो। अरे एक माँ को अपने बच्चे से ज्यादा क्या चाहिए? चलो मुझे अपने पोते के पास ले चलो। चलिए चलो, चलो चलो। अपनों की याद आ रही है ना, फोन कर लीजिए। मेरा कोई अपना नहीं। जब हो जाए तब वापस कर दीजिए। करूं? डॉक्टर राणा से फोन करके पूछूं कि घर पे सब कैसे हैं?